ये बताओ कि हमारा काम कहां तक आगे बढ़ा है? बस थोड़ा वक्त और लगेगा। वक्त की कद्र करना सीखो सत्या। मैं ही जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मुझे उस घर में कैसे रहना पड़ता है। इसीलिए तो कहता हूँ कि अपनी कोशिशें और तेज करो, और तेज। पर आज अगर मैं अपने आप को वक्त पर नहीं संभालती ना, तो ममता मुझे देख लेती और हमारा सारा का सारा काम वहीं के वहीं बिगड़ जाता। नहीं, हमारी सारी कोशिशें एक ही झटके में खत्म नहीं हो सकती। जब तक हम अपने मकसद तक पहुंच नहीं जाते, तुम्हें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। पर तुमसे मिलना भी तो जरूरी है ना, तुम्हें पता है एक अरसा हो गया हमें मिले हुए। सत्या, सत्या, तुम समझती क्यों नहीं, सब्र का फल बहुत ही मीठा मिलने वाला है। तुम एक ही झटके में करोड़ों की मालकिन बन जाओगी, और मैं करोड़ों की मालकिन का मालिक। क्यों? ये बताओ कि खुशखबरी कब सुना रही हो? बहुत जल्द, बस थोड़ा इंतजार और कर लो, फिर वो सारी खुशखबरी सीधा मेरे बैंक अकाउंट में होगी। मतलब वो पैसा? हाँ, वो सारे के सारे इंश्योरेंस के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले। ममता, क्या बात है बेटा, अब क्यों रो रही हो तुम? वो शायद आंख में कुछ चला गया माँ जी। जिंदगी देखी है मैंने ममता, दुनिया देखी है, पानी और आंसू में फर्क करना आता है अब मुझे। बात क्या है बता, क्यों रो रही हो आप? कोई बात नहीं माँ जी, सच में। सच? तुम्हें जो भी सच बताना है वो मेरी तरफ देख कर बोलो। माँ जी, अक्षय मेरे सपने में आए थे, वो शायद बहुत तकलीफ में थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं फंसे हुए हैं और दर्द में वो मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं इन आंसुओं को अब गिरने से नहीं रोक पा रही हूं। मैंने तो जिंदगी का सच स्वीकार कर लिया है, पर मेरा दिल आज भी तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ बेटा, मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मैंने भी अपना अंश खोया है, लेकिन बेटा ये आंसू तुम्हारा सहारा नहीं बन सकते, ये तुम्हें और कमजोर कर देंगे, और हालात तुम्हें कमजोर होने की इजाजत नहीं देता। तो फिर मैं क्या करूं माँ जी, मैं क्या करूं? हकीकत का सामना करो, उसे समझौता कर लो, सपनों के साथ जीना छोड़ दो ममता। सपने कभी हकीकत में नहीं बदलते, और तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है क्रिश, मानती हो ना बेटा? चलो जल्दी से ये आंसू पोंछ लो, उसे स्कूल जाने में देर हो रही होगी, है ना? ममता, जो कुछ भी होता है उसके साथ इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, इसी का नाम जिंदगी है बेटा। तुम समझदार हो,
हाँ कृष बेटा चलेंगे। सिद जरा संभाल के। हाँ वहां अगर कृष की दोस्त की मम्मी के चक्कर में फंस गए ना तो मैं घर पे नहीं आने दूंगी। कोई बात नहीं, मैं कृष के उस दोस्त की मम्मी के साथ उसके घर चला जाऊंगा, है ना कृष? आपको मार पड़ेगी। अच्छा हाँ। ये यहाँ तो बहुत हंसी मजाक हो रहा है। हाँ? हो गया तैयार मेला, लाजा बेटा। कृष मैं तुम्हारा टिफिन बैग में डाल रही हूँ, याद से खा लेना। खा लूंगा। मासुमा क्या हुआ ममता? पता नहीं सर, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई उनकी। उसे सपने में अक्षय दिखाई दिया था। माँ जी अभी? मैंने भी उसे वही समझा है। कब तक सपनों के साथ जीती रहेगी वो? हकीकत का सामना तो उसे करना ही होगा। यानी कि भाभी भाभी अभी भी कहीं ना कहीं भैया के गम से उबर नहीं पाई है। सिद्ध हमें भाभी को खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चलें कृष। चलता माँ जी। बाय। मैंने भले ही तुम्हारी मौत का सच स्वीकार कर लिया है अक्षय, जिंदगी इस सच को क्यों नहीं स्वीकार करती? क्यों नहीं करती अक्षय? आज तुम्हारा कृष के साथ होना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। जिंदगी के सच को स्वीकार कर लेना और उसके साथ जीना दो अलग बातें होती हैं। जिंदगी का ये सफर मैं तुम्हारे बिना कैसे तय करूंगी अक्षय? ये सोचकर मेरा दिल घबरा जाता है। तुम्हारा चेहरा हर पल मेरे सामने घूमता है, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मुझे जीने नहीं देती। आज भी मुझे लगता है जैसे कहीं दूर से तुम मुझे आवाज दे रहे हो। ममता तुम आराम करो। कहाँ हूँ मैं? ममता 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 कहाँ हूँ मैं? मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? मेरा नाम माधव है, तुम निलाया फार्म हाउस में। मैं यहाँ पर क्यों? देखो कौन हो तुम? आज तो हमारा पोता बहुत ही खुश लग रहा है, क्या बात है। हाँ? सिद, फंक्शन कैसा था? बहुत मजा आया, सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, कृष ने भी खूब मस्ती की, है ना कृष? हाँ, मम्मा, मैंने बहुत मजा किया। कृष, आपको और मस्ती करना है? हाँ। चलो ठीक है, तो हम दोनों मतलब हम सब निलाया फार्मर्स चलते हैं, खूब सारी मस्ती करेंगे। ओके ममता तुम भी चलोगी हमारे साथ? माहौल बदलेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं सिद, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, पर आप सब लोग जाइए। क्यों नहीं जाओगी तुम? क्यों नहीं चलोगी हमारे साथ? हम सब लोग जाएंगे और तुम अकेली यहाँ रहोगी, क्या हमें ये अच्छा लगेगा बेटा? और यहाँ रहोगे तो अपनी और अक्षय की यादों में जूझती रहोगे, खुशी से ही दर्द भुलाए जाते हैं बेटा, चलो हमारे साथ। पर अगर अगर क्या ममता,
ऐसी क्या बात है जो तुम्हें हमारे साथ आने से रोक रही है? ऐसी तुम्हारी कौन सी मजबूरी है ममता जो तुम्हारे कदम इस घर से बाहर निकलने नहीं देती? मामा, ऐसा लगता है जैसे भाभी को अभी भी विश्वास है कि अक्षय भैया लौट कर आएंगे, इसलिए तो कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहती। ममता, झूठी उम्मीद अपने मन में पालकर अपने आप को धोखा मत दो। देखो ममता, अतीत का दामन पकड़ के कोई फायदा नहीं, जिंदगी जीने की कोशिश करो, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो बेटा। और तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारा अपना बेटा क्रिश है। अपनी जिंदगी का हर लम्हा बस उसी के लिए जीना है तुम्हें। आज जिस तरह तुम किचन में रो रही थी, उस हाल में अगर कृष्ण में देख लेता तो धीरे धीरे वो भी तुम्हारे आंसुओं का मतलब समझने लगेगा, सवाल पूछने लगेगा तुमसे। क्या जवाब दोगी उसे? बोलो, कैसे समझाओगे उसे? मामा ने मैं देखा नहीं बेटा, मैं जरूर आऊंगी, जैसा कृष्ण चाहता है वैसा ही होगा। जिसमें कृष्ण की खुशी उसी में मेरी खुशी। दीदी, हम लोग ये सोच रहे थे कि एक दो दिन के लिए घूमने के लिए फार्म हाउस चले जाएं। मुझे नहीं जाना किसी फार्म हाउस, उससे तो अच्छा है कि मैं घर पर बैठकर कीर्तन कर लूं। मॉम, कीर्तन तो आप बाद में भी करवा सकती हैं, अभी सब लोग साथ में जाएंगे तो मजा आएगा ना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये फार्म हाउसेस क्या होते हैं। धूल, मिट्टी, गंदगी और दुनिया भर की बीमारियां होती है वहां, मुझे नहीं जाना। तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो तुम चले जाओ, और हाँ, अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाओ, ठीक है? ठीक। इसका मतलब है कि तुम सचमुच जा रहे हो? हाँ मम, वो तनिषा भी यही चाहती है कि हम लोग सब जाएं। हरिओम हरिओम, जाओ, पर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने नहीं रोका। अरे कृष्ण, तुम आ गए, चलो बॉल खेलते। अरब बेटा, पहले दूध पी लो। नहीं, मुझे कृष्ण के साथ खेलना। चलो ना बाबूजी, चलते हैं। चलो कृष्ण, चलो अरब, चलो चलो चलो, सब लोग आइए आइए आइए। Thank you.
मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने मम्मी जी की बात नहीं मानी। उन्होंने सही कहा था कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फार्म हाउस जाकर। रास्ते भर धूल मिट्टी खाकर मुझे तो एलर्जी हो गई। Come on, Tanisha. Relax. अच्छा वो मम्मी जी नहीं है, वरना ऐसी उम्र में वो तो ये सब कुछ सह नहीं पाती। चलो चलो चलो, कम से कम सफर बहुत आराम से गुजरा है ना जी। नमस्ते बाबू जी, इस फार्म हाउस का केयर टेकर। मेरा नाम माधव, मेरा नाम माधव। उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्म हाउस पसंद आया। जी हमें ये फार्म हाउस वाकई बहुत पसंद आया, बहुत शांति है यहाँ, बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। वैसे एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मेरी बीवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। जी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाहर से खाना मंगा लेंगे। और कभी कभार यहाँ का मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन बाहर आउटहाउस में एक फ़ोन रखा हुआ है, अगर आप लोग चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। माधव जी, यहाँ ऐसी कोई जगह है जो हमें देखनी चाहिए? एक जगह है, एक पेड़ है यहाँ पर जो 500 साल पुराना है। कहते हैं उस पेड़ के नीचे गणपति बाबा का निवास है, अगर आप लोग चाहे तो वहाँ होकर आ सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। डॉक्टर साहब। अरे भैया माधव, कहाँ रह गए थे तुम? बस डॉक्टर साहब यूं ही, कुछ मेहमान लोग आ गए थे। और आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर अब आपकी वाइफ मैत्री कैसी है? मैत्री की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं, मेरी सारी आशाएं आप पर ही टिकी हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैत्री, कुछ नहीं होगा उसे, बस एक बार उस आदमी को होश आ जाए ताकि हम उसे इस बारे में खबर कर दें, फिर तो हम कभी भी अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। आइए डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आप अपना ख्याल तो रख रही है ना? जी। गुड। मैत्री, मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से मिलो और उनके मन में कोई शक पैदा हो, तुम समझ रही हो ना? तनिषा बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी जगह ले सकती हो, मैं वैसे भी टहलने जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। सर। हाँ नटवर, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस वक्त नीलिया फार्म हाउस में हूँ। हाँ, अरे नहीं, मुंबई से कुछ 4 घंटे की दूरी पर है। पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था पापा। हाँ पर मैं क्या करूं जानू, वो तो तुम्हें पता ही है ना। सत्या बेटा,